Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. देखिए अभी दो विधेयक और एक संशोधन केंद्र की सरकार लेके आई माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के प्रिय नेता हैं। किसानों की जिंदगी में खुशहाली आए, किसानों की जिंदगी में एक अच्छे बदलाव हों, सकारात्मक रूप से किसान की आय बढ़े, इसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए हैं। उनकी बहुत आवश्यकता थी, पूरे देश के किसानों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ स्थानों के विशेषकर पंजाब के कुछ किसानों को वहाँ पे बहकाया गया है, उनको भ्रम डालकर उनके मन में सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया है। लेकिन मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो 125 करोड़ देशवासियों के खिलाफ जाए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं गोवा सहित पूरे देश के अंदर, उन रिफॉर्म से किसानों को लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और आने वाले जो उनका यूथ है, किसान युवा जिन्हें बोलते हैं, वो अच्छे से खेती कर पाए, इसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिलाने का काम किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एक संदेश दिया उसको भी किसानों के कुछ संगठन मानने तैयार नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि किसान के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी सहित देश की अन्य राजनीतिक विरोधी दल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लोकप्रियता के कारण अन्य दल परेशान हैं, उनको नहीं लगता कि मोदी जी के रहते हुए कोई अन्य दल मजबूत हो पाएंगे। तो एक षड्यंत्र के सहित ये मुद्दे पर किसानों को बरगलाने का काम किया है। लेकिन देश का 60 करोड़ से ज़्यादा किसान इन बिल के समर्थन में है, कुछ किसान संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं।